बिहार संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश में बड़ी धूमधाम से संचालित हो रहा। विकास खंड जोगिया के ग्राम सभा पंगरा और बड़गो में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन बहुत ही व्यापक रूप से ग्राम प्रधान की अगुवाई में आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले, इससे इस कार्यक्रम को संचालित कर भारत को एक विकसित भारत बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कपिल विधानसभा के विधायक श्याम धनी राही ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को सरकार की योजनाओं और उनके लाभ के बारे में बताया। जनता के लिए चलाए जा रहे सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसके लाभ की जानकारी जनता को दी। उन्होंने कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार आई, तब से जनता की सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा है। सरकार ने जनता से जुड़ी हर सुविधा अपने ही ग्राम सभा में मिले ऐसी योजनाएं चलाई। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है। आज देश और प्रदेश में विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित और शिक्षित है। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के योगी सरकार ने किया है। सचिव आशीष पांडे ने कहा कि जनता की सभी समस्या का निस्तारण जिम्मेदारी और विश्वास से किया जाएगा। देखिए, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर पंचायत कपिल वस्तु विधानसभा मेरा कपिल वस्तु है और महाराज जी के प्रयास से बड़पुर ग्राम सभा को ग्राम पंचायत क्या कहें नगर पंचायत बनवाने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से यहां से तथागत के धरती से जहां से पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश गया था वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ। दूसरा जो है अक्षत जो दिया जा रहा है, राम मंदिर का न्योता जो घर घर वितरण हो रहा मोहाना में मैं सम्मिलित हुआ। और तीसरे कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बांगरा में यहाँ आम जनमानस का आशीर्वाद लेने आया। विकसित भारत के उस संकल्प को सबको जोड़ने के लिए कि ऐसे लोग जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले हैं, जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा आया है। इस संदेश क्या दे रहा सर? देखिए, संदेश ये है कि जो लोग अब तक जन कल्याणकारी योजनाओं में नहीं जुटे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, ये संदेश है। आने वाले चुनाव क्या असर होगा इसका? आने वाले चुनाव तो आप देख रहे हैं, आम जनमानस आतुर है। जो 500 वर्षों का सपना हिंदू समाज का था कि अयोध्या जी में श्री रामचंद्र भगवान का भव्य मंदिर बने, आज वो बनकर तैयार है। लोकार्पण 22 जनवरी को होने जा रहा है। आम जनमानस जिस तरह से आज भगवान के भव्य मंदिर का प्रतीक्षा कर रहा था, पुनः 2024 में आने वाले चुनाव की तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आम जनमानस आज अपनी उपस्थिति इसी नाते इतना दर्ज करा रही है कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए, भारत माँ की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए, यही आज जो है संदेश है। इस गांव के लोग कितने जागरूक हुए? बहुत जागरूक। जागरूक ना होते थे आते क्यों? क्योंकि जैसे कांग्रेस के लोग आज जो है श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतीक्षा होने पर नहीं जा रहे हैं, उनकी मानसिकता जो है उन मुगल आक्रांताओं के साथ जुड़ा हुआ है, इस नाते नहीं जा रहे हैं। हमारा नाम संत कुमार कनौजिया है। इस गांव में संकल्प यात्रा की बैन आई हुई है, तो क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इस गांव तक पहुंच गई? कितने लोग जागरूक हुई है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए, तो हमारे गांव के लोग काफी जागरूक, और जो विधवा पेंशन हुआ, दिव्यांग हुआ, तो आवास हुआ, जो भी है उसको बताया जा रहा है घर घर जाके, इसके लिए जनता को जागरूक किया। कितने लोग बचे होंगे आपके गांव में? ऐसे लगभग में बचे तो नहीं होंगे, हमारे हिसाब से जो भी था हम स्वयं बनवा रहे हैं। जो भी मान लो किसी का प्रमाण पत्र बना, स्वयं अपने पैसे से ऑनलाइन करवा के बनवा दे रहे हैं अपने ग्रामवासियों, किसी प्रकार का किसी को दिखना हो। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, सरकार बहुत बढ़िया लगा। जैसे देखिए, कोई जनमानस बचे ना गांव का अंतिम व्यक्ति तक, सबको देने का कार्य कर रहे हैं। किसको धन्यवाद देंगे? केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे, श्री योगी महाराज को धन्यवाद देंगे, अपने विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं।